जय श्री राम। आज नर्मदा परिक्रमा का दिन 139 जो कि छतरपुर से चलकर ब्रह्मांड घाट तक आए हैं। बताते हैं कि ब्रह्मांड घाट का नाम इसलिए ब्रह्मांड घाट पड़ा क्योंकि यहाँ पर ब्रह्मा जी ने तपस्या करी थी। ये ब्रह्मा जी की तपोभूमि है और यहाँ पर एक साधु कुटी है। वैसे तो आश्रम तो यहाँ बहुत हैं, बड़े बड़े आश्रम हैं। बहरहाल एक यहाँ पर जो है अपने काफ़ी संत प्रेमी महात्मा हैं तो इसलिए उन्हीं की कुटी में आज हम रुके हुए हैं। वैसे छतरपुर से आपके पदम मंदिर तक तो रास्ता ठीक है, मगर उसके पदम मंदिर से आगे अगर नर्मदा किनारे किनारे अगर चला जाए तो बहुत कठिन रास्ता है। हमारी समझ में अगर पदम मंदिर से सड़क मार्ग अगर पकड़ लिया जाए तो ज़्यादा बढ़िया रहेगा, क्योंकि नर्मदा किनारे का जो रास्ता है कहीं कहीं ऐसा रास्ता है जो कि घास पकड़ पकड़ के चलना पड़ता है, और अगर किसी खेत में धोखे से फंस जाते हैं तो खेत में कांटों की बाढ़ लगी है तो काफ़ी कांटे आज हमें हटाने भी पड़े, जिस कारण से कुछ कांटे पैर में भी लगे, कुछ हाथ में भी लगे। तो कुल मिला के पदम मंदिर से सड़क मार्ग पकड़ लेना उचित रहेगा ब्रह्मांड घाट तक आने के लिए। तो फिलहाल आज यहीं पर ही विश्राम रहेगा। शेष परिक्रमा राम जी अगर चाहेंगे तो कल से लगाने का प्रयत्न रहेगा। जय श्री राम।